लेसन। प्रत्यभिज्ञानम यानी एक पहचान, प्रत्यभिज्ञानम माने होती है पहचान। तो इसमें हम पढ़ेंगे प्रस्तुत अयम पाठा महाकवि भास प्राणीतम पंचरात्रम इति नाटकात् संपाद्य संग्रहीतो अस्ति। अत्र नाटकांशे दुर्योधनादिना राज्ञा विराटस्य गावा अप्रतः तेषां उन्मोचनार्थं विराटपुत्र उत्तर अस्य सारथिरूपेण ब्रह्म नललावेशधारी अनुश्च च उभावपि गतवन्तो। तत्पश्चात् भीष्मादिना सह अर्जुन पुत्र अभिमन्युरपि युद्धं कृतवान्। युद्धे कौरवाणां पराजय अभवत्। अस्मिन्नेव क्षणे राज्यभवने सूचना संप्राप्ता यद् वल्लभ इति वेशधारिणा भीमेन रणभूमो अभिमन्यु आवद। ग्रहीतो अभिमन्यु अर्जुन भीमो न प्रत्यभिजानाति। तेन सा उभाभ्याम सह सरोषां वार्तालापं करोति। तत् उभो अभिमन्यु राजसभायां नयतः। तत्र उपस्थिता राजकुमारः उत्तरा उभयो रहस्यं बोधयति। अनेन छद्वेशधारिणां पांडवानां अभिज्ञानं भवति। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका सरलार्थ है वो आपका लेसन के पीछे है, जैसा कि आप हर लेसन में करते आ रहे हैं। यह है योग्यता विस्तार। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक है उसका वो है प्रस्तुत पाठ भार रचित पंचरात्रम नामक नाटक से संपादित कर लिया गया है। दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। विराट पुत्र उत्तर ब्रह्मला जो अर्जुन है को सारथी बनाकर कौरवों से युद्ध करने जाता है। कौरवों की ओर से अभिमन्यु अर्जुन पुत्र अभिमन्यु था भी युद्ध करता है। युद्ध में कौरवों की पराजय होती है। इसी बीच विराट को सूचना मिलती है बल्लभ यानी भीम ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है। अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचान पाता और उनसे उग्रतापूर्वक बातचीत करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वहीं भगवान नाम से कहे जाने वाले पांडवा ग्रज युधिष्ठिर भी उपस्थित हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं करता। उसी समय राजकुमार उत्तर वहां पहुंचता है जिसके रहस्य उद्घाटन से अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों के छद्म वेश का उद्घाटन हो जाता है, यानी उनका पता चल जाता है कि ये लोग कैसे रह रहे हैं। तो अब आपका लेसन है भट्ट जयतु महाराज, महाराज की जय हो राजा। अपूर्व इवेते हर्षो ब्रूहि के नासी विस्मिता, तुम्हारी खुशी अपूर्व के समान है। तो राजा कहता है तुम्हारी खुशी अपूर्व के समान है, बोलो किससे विस्मित हो, किससे विस्मित हो तुम। भट्ट तो भट्ट कहता है आशयदयम प्रियम प्राप्तम सौभद्रो ग्रहणम गता। आशयदय प्रिय अभिमन्यु पकड़ा गया। भट्ट कहता है कि आशयदय अभिमन्यु है जो वो पकड़ा गया यानी प्राप्तम पकड़ा गया, प्राप्त किया गया। राजा कथमिदानीं ग्रहित अब कैसे पकड़ा गया, कथा कथ माने अब कैसे पकड़ा गया। भट्ट कहता है रथ मासाध्य निशस्क बहु भ्या भ्याम वतारितः। रथ को पाकर बिना शंका के बाहुओं से उतारा गया यानी रथ को पकड़ कर, रथ को पकड़ लिया था और उसको हाथ से पकड़ कर लेके आ रहे हैं। राजा केन कैसे, भट या किल ऐशा नरेंद्र विनियुक्तो महानासे इतर इतर राजकुमार। तो जो नरेंद्र है उन्हें पकड़ रखा है और
उनसे कह रहे हैं, इधर इधर राजकुमार, इधर आओ। अभिमन्यु कहता है, वो को नू खलगेशा, अरे यह कौन है? एन बुझे कनी नियंत्रतो बालाधी के नापी ना पीड़िता असीम, जिसके बल की अधिकता होने पर भी, यानी भुजाओं में बल होने के बाद भी, एक हाथ से नियंत्रित पीड़ित नहीं हुआ। यानी कौन है जो जिसे हम एक हाथ से पकड़ भी रखता है, नियंत्रित पीड़ित नहीं हुआ? असीम रनला इत राजकुमार, इधर से कुमार, इधर से अभिमन्यु। जो ब्रहनला है वो कौन है? अर्जुन। ब्रहनला कौन है? अर्जुन। अर्जुन कहते हैं कि इधर इधर से अभिमन्यु। आई एम परा का विभात्यु मा वेश मिवाशी तो हरा, अरे यह दूसरा कौन है? उमा के वेश में आश्रित शिव के समान सुशोभित है। अभिमन्यु कह रहे हैं, अरे यह कौन है, दूसरा कौन आ गया कि जो उमा के वेश में आश्रित शिव के समान सुशोभित हो रहा है? ब्रहनला यानी अर्जुन कहते हैं, आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत वाचाल्य में नाम आर्य। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आर्य विद्वत्ता पूर्वक भाषण में मेरी बहुत उत्कंठा है, यह बहुत बोलता है। अर्जुन कह रहा है ये तो बहुत बोल रहा है। तो जिसको पकड़ के लेके आए थे वो कुछ बोल रहा था, तो जो अर्जुन है वो कहते हैं कि ये तो भाषण में मेरी बहुत उत्कंठा है, यानी मैं को लगता है कि मैं ही ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन ये तो मुझसे भी ज़्यादा बोल रहा है। बल्लभा, बल्लभा कौन है? भीमसेन। बल्लभा कौन है? भीमसेन। ठीक है, तो अपार्य वाणम प्रकाशम अभिमन्यु हटाकर, अपार्य माने हटाकर, ठीक है प्रकट होकर, अभिमन्यु, अभिमन्यु को जो प्रकाशम माने प्रकाश होता है, तो अभिमन्यु, अभिमन्यु कहते हैं अभिमन्यु नार्यम, मेरा नाम अभिमन्यु है। बल्लभा रुष्यते मया त्वमेव ने नम भी भाष्य, मेरे द्वारा यह क्रोधित होता है, यानी बल्लभ कह रहे हैं भीमसेन, मेरे द्वारा यह क्रोधित होता है, तुम ही इसको बोलने को प्रेरित करो, यानी मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये मुझे देख के क्रोधित हो रहा है, अब तुम ही कुछ बोलो। ब्रहनला यानी अर्जुन, अभिमन्यु उसका नाम लेता है, अभिमन्यु, अभिमन्यु कहता है कथम कथम, कहो कहो। अभिमन्यु कहता है कथम कथम, यानी कैसे कैसे, अभिमन्यु नाहमाहम भव, कैसे कैसे अभिमन्यु नाम वाला मैं भव माने हे, किमत्र क्या विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता नीचे अपि नाम भी अभिभाष्यन्ते अथवा अहम शत्रुवंश कथा अतएव त्रिस्क्रियते। कहता है कि कैसे कैसे अर्जुन नाम वाला मैं, हे क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय कुल, विराट नगर क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न लोग नीचों के द्वारा भी नामों से बोले जाते हैं, अथवा अहम शत्रुवंशम गता, या मैं शत्रुवंश में पड़ा हुआ हूँ, अतएव तिरस्कृते इसलिए तिरस्कृत किया गया हूँ, इसलिए मेरा तिरस्कार हो रहा है। तो ये पूरा क्या है इसका मतलब, कि विराट नगर में क्षत्रिय वंश को नीचा करने के लिए, तो जो नीच लोग होते हैं वो एक दूसरे का नाम लेते हैं, या मेरा ही, मैं ही शत्रु वंश का हूँ तो मेरा नाम, मेरा तिरस्कार किया जा रहा है नाम लेकर। ब्रहनला यानी अर्जुन, अभिमन्यु सुख मास्ते ते जतति, अभी अर्जुन कहते हैं अभिमन्यु तुम्हारी माता शाकुशल है? अर्जुन को तो सब पता होता ही है, तो वो पूछते हैं कि अभिमन्यु
क्या तुम्हारी माता शाकुशल है? अभिमन्यु कहते हैं, कथम कथम, कैसे कैसे? जनिन राम, तुम मेरी माँ का नाम कैसे जानते हो? कि भगवान मैं पिता अथवा पितृव्य क्या? कथम मैंने क्यों क्यों तुम मेरी माता का नाम जानते हो, या फिर तुम आप मेरे पिता अथवा चाचा हो जो मुझसे पिता के समान अधिकार दिखाकर स्त्रियों की कथा पूछते हो? ब्रह्मला, अब अर्जुन कहता, अभिमन्यु अभी कुशली देव की पुत्र केशवा क्या देव की कहता अभिमन्यु क्या देव की पुत्र केशव देवकी पुत्र केशव कुशल है? अभिमन्यु, कथम कथम, कैसे कैसे? तत्र भवन्ता मापि नामना अथ किम, कैसे कैसे, क्या आदरणीय उनको श्री कृष्ण को भी नाम से, फिर और फिर क्या? ये सब चीजें वो बोल रहे हैं कि कैसे कैसे, क्या आदरणीय उनको भी नाम से, आदरणीय नाम से कैसे, फिर क्या, इस तरीके से वो बोल रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। अभिमन्यु, कथमिदानी सवज्ञमी माम हस्यते। अभिमन्यु कहता है, अब क्यों उपेक्षा करते हो, मुझ पर हंसा जाता है कि तुम मुझसे कौन सी उपेक्षा कर रहे हो और मुझ पर हंस रहे हो? ब्रह्मला, ना खलु किंचित, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। वो अर्जुन कहता है, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे ऐसे ही हंसी आ गई है। पार्थम पित्र उद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृतत्रयस्य युक्तो युद्ध पराजय। कहते पार्थ माने पिता और जनार्दन यानी मामा, है ना, पार्थ पिता और जनार्दन मामा वाला युवक अस्त्र विद्या से संपन्न और युद्ध में निपुण होकर भी पराजित होता है, क्या यह उचित है? तो यानी जिसके पिता और मामा साथ में हो तो वो युद्ध में पराजित होता है, क्या यह उचित है? अभिमन्यु, अलम स्वच्छंदन प्रलापेन अस्माकं कुले आत्म स्तवम कर्तुम नोचित्तम रणभूमो हतेषु शरान पश्या मृदते अन्यत नाम न भविष्यन्ति। अभिमन्यु कहता है, स्वच्छंद प्रलाप मत करो, हमारे कुल में अहंकार करना अनुचित है। अभिमन्यु कहते हैं कि स्वच्छंद है यानी स्वच्छंद प्रलाप मत करो, हमारे कुल में जो है वो अहंकार करना अनुचित है। रणभूमि में घायलों में मरे हुए बाणों को देखो, जो बाणों से मरे हुए हैं उनको देखो, मेरे सिवा अन्य कोई नहीं होगा। ब्रह्मला, एवं वाक्य शोणियां किमर्थम तेन पदातिना ग्रहिता। अर्जुन कहते हैं, इस प्रकार वाणी की वीरता किस लिए उस पैदल चलने वाले सैनिक से पकड़े गए? अच्छा, तभी तुम कह रहे हो कि तुम ये जो बात बोल रहे हो ये कौन सी वाणी की वीरता है, इसलिए तो तुम पैदल चलने वाले सैनिक से पकड़ गए। अभिमन्यु कहता है, अशस्त्रम मम विगतम, मेरे पास शस्त्र नहीं था, मुझे शस्त्रहीन पकड़ा गया है। कहता है कि मुझे शस्त्रहीन पकड़ा गया, मैं पिता को स्मरण करता हुआ कैसे मरूं या मारा जाऊं, मेरे जैसे शस्त्रहीनों पर प्रहार नहीं करते, अथा शस्त्रहीन ने मुझको धोखा देकर पकड़ा है। राजा, त्वयर्तमा अभिमन्यु, जल्दी करो अभिमन्यु। ब्रह्मला, इत राजकुमार, इत कुमारा, यहाँ से कुमार
यहाँ से। ऐसा महाराज, यह महाराज हैं उपस्थित, तुम कुमारा कुमार समीप जाओ। अभिमन्यु, आ कस्य महाराज, आह किसके महाराज, राजा। ए आहोई पुत्र कथम ना मम विवाद यसी, आओ आओ पुत्र मेरा अभिवादन क्यों नहीं करते हो। आत्मगतम, ओहो अच्छा, उक्त अपने मन में सोचता अच्छा, उत्सुकता खलव्यम, क्षत्रिय कुमारा निश्चय यह अहंकारी, वह अपने मन में सोचते हैं राजा कि निश्चय यह अहंकारी क्षत्रिय कुमार है। अहमस्य दर्पश मनम करौमि, मैं इसके घमंड का नाश करता हूँ। प्रकाशम यानी प्रकट होते हैं, अथा केन्यम ग्रहितः, फिर यह किसके द्वारा पकड़ा गया, भीमसेन। अब भीमसेन आ जाते हैं, महाराज माया, महाराज मेरे द्वारा। अभिमन्यु, अशस्त्रेण त्याभिधि यताम, शस्त्रहीन के द्वारा ऐसा कहो, यानी मेरे पास शस्त्र नहीं थे इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो, नहीं तो मैं पकड़ में नहीं आता अगर मेरे पास शस्त्र होते तो। भीमसेन, शांतम पापम, शांत पापी, गुस्से में कहता है शांत पापी, यानी अभिमन्यु पर गुस्सा होता है। धनुस्तु दुर्बले एव ग्रहिते मम तु भुजो एव प्रहरणम, धनुष तो दुर्बलों के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। मम तु भुजे, मेरे लिए तो भुजाएं ही हथियार हैं। अभिमन्यु, मा तावत भो, हे तो नहीं कि भवान मध्यम ताता या तस्य सादृशं वचा वदति। अभिमन्यु कह रहा है तो नहीं, क्या आप मेरे मध्य पिता हैं क्या, जो उनके समान वचन बोलते हो। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप मेरे पिता हो, तो आप ऐसे वचन क्यों बोल रहे हो भगवान। पुत्र को आयम मध्य नामा, पुत्र कौन है यह मध्यम नाम वाला। अभिमन्यु, अब अभिमन्यु कहता है पद्यव समुदाचारा क्रियतम निग्रहति चित्ता बहुमा बाहुभ्या महर्तम भीमा बहुभ्या में नेष्यति। कहते हैं गले से बुझा से बांधकर वह आसानी कर्म करके भीम के द्वारा कृष्ण की पात्रता ली गई है। तो क्या बोला गया है, गले से बुझा से बांधकर, यानी गले और बुझा से बांधकर वह आसानी कर्म करके ही कृष्ण की पात्रता ली गई है। तथा प्रविशतु उत्तरा, अब वो तभी अब उत्तर देते हैं उत्तरा, तभी जो उत्तरा है वो प्रवेश करता है। उत्तरा तात अभिवाद्य, क्या होता है इसमें, तात अभिवादन करता है, उत्तरा तात का अभिवादन करता है राजा। अब आयुष्माना, आयुष्मानाम भव पुत्र पूजिता कृत कर्मणो योद्ध पुरुषा, तो राजा कहते पुत्र चिरंजीवी रहो, कर्म करने वाले योद्धा पूजनीय होते हैं, यानी पूजित पूजा होती है, जो कर्म करते हैं योद्धा वो उनका क्या होती है, पूजा होती है और वह हमेशा पूजनीय होते हैं। उत्तरा पूज्यतम अस्याम क्रियतम पूजा, इस पूजनीय की पूजा की जाए। राजा पुत्र कस्मै, पुत्र किस लिए। उत्तरा इहत्र भवते धनंजया, यह आदरणीय धनंजयों के लिए है, यानी वो कहता है कि ये जो है वो धनंजयों के लिए है राजा। कथम धनंजय होती, कैसे धनंजयों के लिए। उत्तरा कहता है अथम किथम, और क्या, शमशान नाथु नुराद्या तू
तुणी राक्षय सायके निर्पा भीष्माद्यो भगना वयांचा परिरक्षिता शमशान से तरकश अक्षय बाणों वाला धनुष लेकर घायल राजा भीष्म आदि और हम रक्षा के लिए गए हैं, यानी शमशान से धनुष लाकर घायल राजा जो भीमसेन है, भीष्म पितामह। तो राजा क्या कहते हैं, एव मैतत, ऐसा है उत्तरा व्यापन यतु भवच काम आय मेव अस्ति धनुर्धर धनंजय। आप शंका दूर करें, यह ही धनुर्धर धनुर्धर धनंजय है, यानी उत्तरा आते हैं तो कहते हैं कि अपनी शंका दूर करें और यही धनुर्धर धनंजय है। ब्रह्मला अयोध्या अर्जुना तही अयम भीमसेन अयम च राजा युधिष्ठिर। अर्जुन कहते हैं, यदि मैं अर्जुन तो यह भीमसेन और राजा युधिष्ठिर है। तो अब ये जो पिक्चर है या जो दिख रही है आपको, इसमें क्या है, राजा है। अब बाकी सबके बारे में वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि अगर मैं अर्जुन हूँ तो यह भीमसेन और यह राजा युधिष्ठिर हैं। अभिमन्यु इहत्र भवन्तो मैं पित्रा तेन खलु, यह मेरे पितृ, यह मेरे आदरणीय पितृजन, उससे निश्चय ही ये कहते हैं ये सब मेरे पितृजन हैं। अभिमन्यु कहता है कि अरे ये जी यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सारे मेरे पितृजन हैं। तेन खलु, अच्छा तो अब ये ना रुष्यंती मया शिप्ता हसंत च शिपंती माम दृष्टया गोग्रहणम संतम पित्रो एन दर्शिता। यह मेरे आदरणीय पितृजन है, उससे निश्चय ही मेरे द्वारा आक्षेप किए जाने पर क्रोधित नहीं होते। तभी तो कि मैं इतना गुस्सा आ रहा हूँ, तभी तो ये लोग कोई भी मुझ पर क्रोधित नहीं हो रहे हैं और मेरे किए जाने क्रोध पर भी क्रोधित नहीं होते और हंसते हुए मुझको हटा देते हैं, है ना। भाग्य से गायों का अपहरण सुखांत है, यानी अच्छा हुआ कि गायों का अपहरण हो गया जिससे पितृजन दिखाई दे, यानी ये सब लोग मुझको मिल गए। तो अर्जुन बड़ा ही खुश होता है कि अच्छा हुआ जो गायों का अपहरण हो गया, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे ये सारे पितृजन देखने को नहीं मिलते और उनके दर्शन नहीं होते। इति क्रमेण सर्वनाम प्रामति सर्वे चातम अलिंगनति। तो क्रम से सबको प्रणाम करता है, तो अर्जुन है जो वो सबको क्रम से प्रणाम करता है और सब उसका अलिंगन करते हैं और उसको गले लगाते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारी कथा है ये पूरी कंप्लीट हो गई है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये शब्दार्थ है, शब्दार्थों को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे, उसके बाद फिर आप अपना लेसन स्टार्ट करेंगे।